बहुत सारी चीज आएगी। अब अगर फ्रूट ले आना इसके लिए फ्रूट है। बेवकूफी वाली बातें नहीं करनी चाहिए। मैं नानी के लिए मेरे लिए आइसक्रीम भी लाने गई थी। ये वाली आइसक्रीम मम्मा भाई जल्दी आना कहते कहते मम्मा जल्दी आना का जल्दी आना कहते अभी अभी नहीं अभी आऊंगी बेटा। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो आज है मेरा फर्स्ट डे ऑफ ऑफिस जब से लड्डू हुई है और बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रही हूँ। बहुत बुरा लग रहा है, कभी उसे छोड़ा नहीं है इतनी देर। ऑल दो मम्मी है घर पे, लेकिन कभी उसे छोड़ा नहीं है ना, तो एक अजीब सी फीलिंग हो रही है, समझ नहीं आ रहा। मतलब मैं उस फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि वो कैसी फीलिंग है, बट कुछ खाली खाली सा और अजीब सा लग रहा है। क्योंकि मैं इतने टाइम बाद ज्वाइन कर रही हूँ, मैं सबार्टिकल पे थी, तो मैं मेरा एक छोटा सा इंटरेक्शन है मेरे एचआर के साथ, तो कुछ चीज़ें फिगर आउट करनी है जॉब को लेके। तो बस मैं ऑफिस पहुँच गई हूँ और मैं मिल लेती हूँ एचआर से और इंटरेक्शन हो जाए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। देखते हैं इंटरेक्शन कैसा जाता है, फिर मैं आपसे बात करती हूँ और आगे का दिन भी आपको दिखाती रहूंगी कि मेरा आगे का दिन कैसा जा रहा है। सो बीच बीच में मेरे इंटरेक्शन्स उनसे चल रहे थे, बट उसके बीच में लंच टाइम हो गया था और मैं आ गई हूँ कैफेटेरिया। कैफेटेरिया पे मैंने बहुत टाइम से ब्रेड रोल नहीं खाया था, क्योंकि मैं हेल्दी ऑप्ट कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने एक ब्रेड रोल ले लिया। आज थोड़ा सा चीटिंग कर ली। दूसरी चॉइस मैंने अनियन उत्तपम की रखी, बिकॉज दिस वॉज द हेल्दीएस्ट फूड अवेलेबल। आराम से मैंने खाया, इंजॉय किया, चाय भी पी साथ में, और उसके बाद चले गई वापस से जहाँ मुझे काम था। अब मैं निकल गई हूँ ऑफिस से और जो स्मॉल इंटरेक्शन था वो एक्चुअली स्मॉल ना होके पूरा दिन खिंच गया। कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट करनी थी जो नहीं हो पाई पूरी तरह से, एज़ पर माई विश वो पूरी नहीं हो पाई हैं। देखते हैं आगे मुझे कैसे कैसे चीज़ें करनी है। तो अभी मैं रास्ते में गाड़ी रोक के खड़ी हूँ और मैं ड्राइव कर लेती हूँ, घर पहुँच जाती हूँ। आज मैं थोड़ा सा जल्दी घर जा रही हूँ, बट कल से मुझे थोड़ा सा लेट होगा, इससे ज़्यादा लेट होगा, 6-7 बज जाएगा घर आते आते। तो बाकी मैं डिटेल्स आपको घर पे जाके बताने वाली हूँ। तो अभी मैं सेफली ड्राइव कर लेती हूँ, घर पहुँचते हैं, लड्डू से मिल लेते हैं। आज मैंने उसे बहुत मिस किया है, बहुत मिस किया है। मैंने पहली बार इतने घंटों के लिए उसको छोड़ा है और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था, और मैंने 5-6 बार उसे कॉल करके पूछा। अब मुझे बहुत ज़्यादा उससे मिलने का हो रहा है, तो फटाफट से घर पहुँच जाते हैं, उससे मिल लेते हैं, उसे खूब सारा प्यार कर लेते हैं, और फिर मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कशन करूँगी कि मैं क्या चाह रही थी और क्या नहीं हो पा रहा है और क्या मेरा प्लान है। तो बस फटाफट घर चलते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। फाइनली पहुँच गई हूँ मैं घर और जल्दी से अपने बच्चे से मिलने की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, पता नहीं क्या रिएक्शन होगा उसका। तो फटाफट से जाके अपने बच्चे से मिल लेते हैं और आपको भी दिखाती हूँ कि उसका रिएक्शन कैसा था। हेलो जी, तो घर पहुंच के अपनी बेटू के साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करके, उसको खूब सारी पूछियां करके मैं आ गई हूँ आपके सामने वापस से। तो आज फर्स्ट डे था जब से लड्डू हुई है, फर्स्ट डे मैं बाहर निकली थी इतनी देर के लिए, फर्स्ट डे था ऑफिस का और बहुत वियर्ड फीलिंग थी। सुबह मुझे काफ़ी रोना भी आ गया था और नहीं मन कर रहा था छोड़ने का, कभी इतनी देर छोड़ा नहीं है और मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही थी उसकी। आई वॉज़ मिसिंग हर सो मच।
और मुझे एक दो घंटे मैं घर से निकलने के बाद काफ़ी अपसेट भी रही. और आई डोंट नो, आई थिंक सारी मदर्स इस चीज़ से गुजरती हैं. वर्किंग मदर्स होती हैं तो ऑफिस जाते हुए ये सब फील करती हैं, और जो होम मेकर्स होते हैं वो जब अपने बच्चे को फर्स्ट टाइम प्ले स्कूल में छोड़ने जाते होंगे या फर्स्ट टाइम स्कूल छोड़ने जाते होंगे तो सिमिलर फीलिंग उनको आती होगी. कुछ घंटों के लिए अपने बच्चे से दूर रहने में थोड़ा सा शुरू में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो धीरे धीरे तो फिर हैबिट बन जाती है किसी भी चीज़ की. लेकिन शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि आपने हमेशा उसको अपनी आँखों के सामने रखा होता है, और इतना ज़्यादा आप उन चीज़ों से अटैच हो जाते हो कि फिर रूटीन से हटके कुछ होता है तो बहुत बुरा लगता है. और इतने घंटों के लिए छोड़ना बहुत डिफ़िकल्ट था, बट समटाइम्स यू हैव टू टेक दोज स्टेप्स. लेकिन अभी भी इसे छोड़ना मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है. और जिस तरह का मेरा जॉब प्रोफाइल है, मतलब इट्स अराउंड 10 to 12 आवर जॉब, तो मैं मॉर्निंग 8:30 अगर घर से निकलूँगी, मतलब इंक्लूडिंग द ट्रैवलिंग टाइम, तो मैं अगर मॉर्निंग 8:30 घर से निकलूँगी, शाम को 8:30 घर पे कदम रखूँगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट हो जाएगा. इसीलिए आज मेरा HR के साथ इंटरेक्शन था टू वर्कआउट सर्टेन थिंग्स. मतलब मैं अपना कंसर्न रखना चाहती थी कि कैसे ये चीज़ें वर्कआउट हो सकती हैं, और अभी भी चीज़ें थोड़ा बहुत प्रोसेस में है. आई डोंट नो वर्कआउट होंगी या नहीं, दैट वी विल डिसाइड लेटर. तो कल से मैं ऑफिस तो जाने वाली हूँ, रिज्यूम करने वाली हूँ. नॉर्मली कुछ वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल मुझे मिल जाए या कुछ ऐसा वर्कआउट हो जाए. लड्डू को मैं नेग्लेक्ट नहीं कर सकती, लड्डू को मुझे प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा. बच्चे को पैदा किया है तो नेग्लेक्ट तो नहीं कर सकते. मैं ये नहीं कह रही कि वर्किंग मॉम्स नेग्लेक्ट ही करती होंगी, बट हर किसी के पास ना पीछे देखने के लिए कोई ना कोई होगा, या डे केयर उनको कन्वीनियंट होंगे, बट मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं है. और मैं उसको अभी डे केयर में भी नहीं छोड़ सकती क्योंकि शी इज़ 22 मंथ, शी इज़ नॉट इवन 2 ईयर्स. तो मैं उसे अभी नहीं छोड़ना चाहती इतनी देर के लिए, सुबह से शाम तक. तो देखते हैं, मैं बस वही चीज़ वर्कआउट करने के लिए आज गई थी. आने वाले एक हफ्ते में हमें पता चल जाएगा कि क्या सिचुएशन है एक्चुअल. अभी तो मोर और लेस नेगेटिव की तरफ ही है, लेकिन देखते हैं 1% कुछ अच्छा हो जाए तो. बाकी बस आज बहुत ज़्यादा मिस किया मैंने लड्डू को, और बहुत ज़्यादा याद आ रही थी. बीच बीच में खाली बैठी थी, जब मैं वेट कर रही थी, वेटिंग टाइम था, तो उस टाइम पे मैं उसकी वीडियोस वगैरह देख रही थी. तो सारी न्यू मॉम्स को शायद यही फील होता होगा, और बस मन कर रहा था फटाफट घर जाके उसको देखूँ. और जब भी उसे फ़ोन कर रही थी तो वो थोड़ा मम्मा मम्मा कर रही थी, तो फिर और बुरा लग रहा था, इसलिए मैंने उसे फ़ोन भी नहीं किया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था. और मम्मा बोल रही थी कि जब मैं फ़ोन कर रही हूँ वो तब ज़्यादा परेशान कर रही है, अदरवाइज़ वो आगे पीछे उतना परेशान नहीं कर रही है. तो बस यही है, बार बार यही सोच रही थी, उसने खा लिया होगा, अब उसने नहा लिया होगा, अब वो सो रही होगी, और यही सारे थॉट्स चल रहे थे. तो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है, एंड आई एम श्योर हुआ होगा, क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन फीलिंग है हर मदर के लिए जो पहली बार अपने बच्चे को इतने देर के लिए छोड़ती है, तो आप लोगों ने उस चीज़ से कैसे डील किया आप मुझे ज़रूर बताइएगा. क्योंकि अब मुझे कल से फिर से ऑफिस जाना ही है ऑफ कोर्स, और आज तो मैं फिर भी थोड़ा जल्दी आ गई थी, बट कल से मुझे 6-7 बज जाएंगे घर लौटते लौटते. तो आप लोग कैसे डील करते हैं इस सिचुएशन को, वो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में लिख के, तो मैं भी उस चीज़ को खुद पर अप्लाई कर सकती हूँ, और शायद मुझे आप लोगों के सजेशन से थोड़ा सा बेनिफिट हो जाए. क्योंकि आज तो मैं घर आ गई, बहुत खुश हूँ, लेकिन फिर कल सुबह का सोच के फिर थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि नहीं यार. तो बस यही आप लोगों से शेयर करना था, और जो भी मेरे वर्क रिलेटेड भी अपडेट्स होंगे वो भी मैं आपको देते रहूँगी. और कल से मेरा स्टार्ट हो जाएगा ऑफिस, लेकिन मैं आप लोगों से बात करते रहूँगी व्लॉग्स के थ्रू, आप लोगों के साथ बने रहूँगी. शायद थोड़ा सा गैप ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आप लोगों को रेगुलर अपडेट्स मेरे मिलते रहेंगे. तो बस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे बाकी व्लॉग्स एंड वीडियोस भी जाकर ज़रूर देखिए. मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ.